नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य करेंगे प्रधान पद प्रत्याशी गुल मोहम्मद। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विकास खंड रसड़ा ग्राम सभा कोटवारी प्रधान पद प्रत्याशी गुल मोहम्मद ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। सड़क निर्माण कराएंगे, नाली पानी टंकी बनाएंगे, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एएनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। अपना परिचय बताइए तो। सलाम अलैकुम, ग्राम सभा पटवारी के प्रधान पद के प्रत्याशी गुल मोहम्मद। यदि आपके कोटवारी ग्राम की जनता चुनाव जिता देती है तो गांव के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, हमारे गांव में जो भी प्रत्याशी हैं, देखिए उसमें जो भी व्यक्ति जो है जो अच्छा शिक्षित हो, और ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि उसी व्यक्ति को चुने जो कि पटवारी में नाली सड़क और जो मजबूर आदमी है जिनका पेंसिल वगैरह बनवाए। गांव की जनता से क्या अपील करेंगे? गांव के जनता से मैं बार बार यही अपील करूंगा कि गांव के जनता जो भी सही प्रत्याशी है उसको चुने और अपना काम ले, और ज्यादा से ज्यादा। और उसमें ये भी है कि ऐसे लोगों के हाथ में वो अपना मतदान करे कि उसको आगे जाकर के समझ में आए।